लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑफ कमोडिटी इक्वल टू एक्स। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना बेटा, एक्स माना। दो तरीके से सेल कर रहे हैं, एक सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट परसेंट कितना है एक सेलिंग प्राइस में 4% और एक में सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कितना है 6%। और दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 3 रुपीज। तो देखो बेटा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, तो एस पी इक्वल टू सी पी कितना है एक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 अपॉन 100। इधर बेटा कितना है सी पी, ए एस पी 2 है, ए एस पी 1 है। ठीक है, इधर भी क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 अपॉन 100। ठीक है, अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 रुपीज। तो देखो डिफरेंस इक्वल टू इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पहले इसको लिखेंगे, 6 ज्यादा परसेंट प्रॉफिट में है 106 अपॉन 100 माइनस 104x अपॉन 100 इक्वल टू 3। अच्छा दोनों को माइनस करेंगे, 106 में से 104 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 2x अपॉन 100 इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 100 अपॉन 2, 2 बन गया 2, 250 जा 100, 150 कितना आंसर आ गया। अभी ये आंसर नहीं हुआ बेटा, क्या नहीं हुआ, आंसर नहीं है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस दोनों केसेस में, हमें दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस निकालना है। तो फर्स्ट केस में नाउ पुट x इक्वल टू 150, x की जगह 150 रखते हैं तो sp1 कितना आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 10। देखिए बेटा 53 जा कितना होता है, अगर आपको भी जाना है तो मुझे होस्ट बना देना है ना, 52 जा 100, 2 बन जा 2 और 252 जा 104 तो कितना आएगा 156 sp1 पहली सेलिंग प्राइस आ गई। अब इधर कैसे करेंगे बेटा, 150 इस क्वेश्चन में था बेटा क्या, हमें एक प्रॉफिट, एक सामान हमने 4% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा सामान 6% प्रॉफिट पे, हमने कॉस्ट प्राइस माना x, दोनों का सेलिंग प्राइस निकाला, उनका डिफरेंस दिया था, हमें डिफरेंस दिया था तो इससे आई x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू यहां पर रख दी और यहां पर रखी तो दोनों की सेलिंग प्राइस आ गए, है ना। आप आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
19 में लिखा है एक मैन वाय प्लॉट लैंड 3,60,000 ही सेल 1/3 ऑफ द प्लॉट एट अ लॉस ऑफ 20%, अगेन ही सेल 2/3 ऑफ द प्लॉट लेफ्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल रिमेनिंग प्लॉट इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल। देखिए बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट, टोटल प्लॉट उसने कितने का खरीदा, 3,60,000। ठीक है, अब आगे देखिए, वो उसने 1/3 सेल किया, ही सेल 1/3 ऑफ प्लॉट। ठीक है ना, तो उसने 1/3 प्लॉट सेंड बेचा, कितने का बेचा, तो 1/3 उसको कितना, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 प्लॉट कितनी पड़ी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 प्लॉट 1/3 × 3,60,000 कितने की पड़ेगी, एक कट जाएगा, 1,20,000 की पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, 1,20,000। अब उसने इसको बेचा 20%, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, सॉरी लॉस पे, 20% लॉस पर बेचा, तो एसपी क्या होगा इसका, एसपी होता है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। अब ये 1/3 की कॉस्ट है 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 20/100, 1,200 × 80, 96 होता है, 30 आ जाएंगे, मतलब उसने बेचा कितने में, 96,000 में। अब वो बोल रहा है कि उसने 2/3 ऑफ द प्लॉट लेफ्ट उसने जो 2/3 है प्लॉट बचा हुआ है, सीपी ऑफ 2/3 ऑफ लेफ्ट प्लॉट। देखो बेटा, अच्छा 1,20,000 वाला हिस्सा तो बेच दिया, अब बचे वाला हिस्सा कितने का होगा, बचा वाला हिस्सा कितने का होगा, 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 2/3 2,40,000 8 टाइम्स चला जाएगा, और 8×2=16 होता है 1, 2, 3, 4, तो 1,60,000 का और उसने सामान बेच दिया, 1,60,000 का और उसने सामान बेच दिया, अपना प्लॉट और बेच दिया, तो अब कितने का बेचा उसने, एसपी, एसपी ये क्या था, 1/3 का था, एक 2/3 का है लेफ्ट वाले का, क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉ प्रॉफिट हुआ अब तो अपॉन 100। अच्छा ये बताओ सीपी कितना है, वन लैख 60,000, 100 में से प्रॉफिट कितना है, 25, प्रॉफिट कितना दिया है, 25%,
हंड्रेड में से 25 जाएगा, क्या बचेगा? 75 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 16, 5 जा कितना होता है 80, 16, 7 जा 112 और 120, हाउ मेनी जीरोस, टू जीरोस, तो 1,20,000 का बेचा उसने। सॉरी प्रॉफिट में प्लस होता है, गलती कर दी अगर, 125 हो जाएगा, गलती हो गया, एक मिनट, गलती हो गया। 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 40, 16 बन जा 16, 20, हाउ मेनी जीरोस, टू जीरोस, तो 2 लाख में बेचा उसने, कितने में बेचा, 2 लाख में, एक हिस्सा 96,000 में बेचा, एक हिस्सा 2 लाख में बेचा। अब तीसरा हिस्सा कितने में बेचे कि उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो, 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना चाहिए बेटा, 10% का चाहिए। देखो बेटा ओवरऑल टोटल लेट सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की सेलिंग प्राइस हमने मानी एक्स, क्या मान ली बेटा, एक्स, थर्ड पार्ट की सेलिंग प्राइस एक्स मान ली, तो बेटा टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, पहले हिस्सा कितने में बेचा 96,000, सेकेंड हिस्सा कितने में बेचा 2 लाख, और थर्ड हिस्सा हमने क्या माना, एक्स में बेच रहा है, तो 2,96,000 प्लस एक्स। अच्छा बेटा उसको और कॉस्ट प्राइस तो उसकी टोटल लेंथ की क्या है, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 10%, कितना चाहिए, 10% चाहिए ना। अच्छा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, एसपी टोटल कितना है, 2,96,000 प्लस एक्स, और सीपी कितना है, सीपी कितना है, 3,60,000 है ना, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 10%, तो 110 हो जाएगा, नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। बेटा मैं हर एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आप लोग थोड़ा है ना, वरना किसी में नहीं करवाते, इतने लेंथी क्वेश्चन रहते हैं कि कोई टीचर एक करवाता ऊपर का, एक करवाता नीचे का, वो कह देता है सब घर से करो। आप देखो 11 6 11 6 66, 11 3 33, 33 39 और इधर जीरोस हैं 2, थ्री जीरो, तो 3,96,000 आ गया, और इधर है बेटा 2,96,000, ठीक है। अब देखो बेटा x इक्वल टू ए प्लस में, इस साइड माइनस में आ जाएगा, 3,96,000 माइनस 2,96,000 क्या आया, 1 लाख आया कि नहीं, आपको ए ही निकालना था,
क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, लेट एस पी ऑफ थर्ड पार्ट एक्स, जब हमने थर्ड पार्ट तो वो बोला था थर्ड पार्ट कितने का बेचा, तो कितने का बेचा, एक्स का बेचा, कितने का बेचा, एक्स वो अच्छा देखिए एक शॉपकीपर लॉक एट द रेट ऑफ 8 लॉक फॉर 30 रुपी एंड सोल्ड दैट 12 फॉर 57। देखिए बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 लॉक इक्वल टू 34, वन लॉक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बोलो, जल्दी बोलो, 34 अपॉन 8। अच्छा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लॉक, 12 लॉक का सेलिंग प्राइस कितना है 57, तो 1 का कितना होगा 57 अपॉन 12। अब आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट, तो पहले गेन कितना हो रहा है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना है 57 अपॉन 12 माइनस 34 अपॉन 8, एलसीएम आएगा 24, 57 इंटू 2 माइनस 34 इंटू 3, 114 माइनस 11102 अपॉन 24 बचेगा 12 अपॉन 24 बचेगा 1 अपॉन 2। अब गेन परसेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेन परसेंट, और गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन कितना है 1 अपॉन 2, कॉस्ट प्राइस कितना है 34 अपॉन 8 इंटू 100। अच्छा जो नीचे का जो पार्ट होता है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई, जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, रेसिप्रोकल होकर पहुंच जाती है, 1 अपॉन 2 8 अपॉन 34 हो जाएगा इंटू 100, 2 बन जा 2 4 जा 2 2 जा 2 17 जा, तो क्या आया 200 अपॉन 17, इसको आप लिख सकते हो 11 13 अपॉन 17, ये हो रहा है, पीछे चेक कर सकते हो क्या आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लॉक ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45, उसको कितना सेल करना पड़ेगा 45 अर्न करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर उसे 45 रुपीज अर्न करना है तो कितना सेल करना पड़ेगा, देखिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमें ये बताइए बेटा, उसको उसको एक ताला सेल करने में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 1/2, ठीक है ना, अकॉर्डिंग देखो लेट एक्स नंबर ऑफ लॉक ही सेल टू अर्न मनी 45। देखिए हमें बताइए बेटा, एक लॉक सेल करने में उसको हो रहा था 1/2, ठीक है, कितना लॉक सेल करने में, एक एक सेल करने में 1/2, तो हमें ये बताइए एक्स लॉक सेल फॉर एक्स लॉक नहीं सेल करने में उसको कितना मिलेगा 45, कितना मिलेगा 45, वन एक लॉक सेल करने में 1/2 मिल रहा था, तो एक्स लॉक सेल करने में कितना मिलेगा 45,
तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 45, तो एक्स इक्वल टू 45 इंटू टू, तो एक्स इक्वल टू 90। कितने लॉग सेल करने पड़ेंगे उसको? 90 लॉग्स। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िए। दिनेश ने मोटरसाइकिल बेची नवीन को 28% लॉस में, ठीक है ना? 21 सॉल्व। दिनेश ने किसको बेची? नवीन को, ठीक है? और लॉस में बेची उसने, कितने लॉस में? 28% लॉस में बेची, है ना? अब नवीन ने उसमें 1680 रुपीज रिपेयर में लगाए, उसमें कितना रुपये लगाया? 1680। और किसको बेच दी? किसको बेची उसने? सरन को। किस? सरन को। और सरन को कितने में बेची? 35,910। और प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 12.5% प्रॉफिट है ये। अच्छा बेटा, ये सरन के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो नवीन के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है? SP इंटू 100। ये इसके लिए क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस। अच्छा नवीन के लिए सेलिंग प्राइस क्या है बताओ जल्दी? 35,910 है। अच्छा ये बताइए, SP कितना है आपका? 35,910 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 12.5। 35,910 इंटू 100 अपॉन 112.5। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो ऊपर जीरो लगाया। 25 से काटेंगे, 4 जा 5, इसको 25 से काटेंगे 40। 5 से काटा तो 5 9 जा और 5 8 जा। फिर 9 से इसको काटेंगे, 9 3 जा 27, 8 9, 9 9 जा 81, 81 9 9 जा 81 और 0। एट जीरो जा जीरो, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 79, 8 3 जा 24 और 7 31। तो एक कॉस्ट प्राइस है, किसकी कॉस्ट प्राइस है बेटा? नवीन की। 31920। ए नवीन को इतने की पड़ी है, कितने की पड़ी है? इतने रुपए की। अच्छा मुझे ये बताइए, नवीन ने दिनेश से कितने की ली? कॉस्ट प्राइस फॉर मोटर बाइक फॉर नवीन बिफोर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग से पहले कितने की पड़ी नवीन को बेटा? जल्दी बताइए, नवीन को रिपेयरिंग से पहले कितने की पड़ी? नहीं उतने की तो उसने रिपेयरिंग करवाई, तो हम उतना जितने की पड़ी है उसमें से रिपेयरिंग का माइनस कर दें।
कितने की पड़ी? 30,240। अब बेटा ये 30,240 की पड़ी तो ये दिनेश के लिए सेलिंग प्राइस हो गई। दिनेश के लिए क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी दिनेश के लिए? कॉस्ट प्राइस फॉर दिनेश, दिनेश के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? क्या होगा? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी कितना है? 30,240 इंटू 100 और 100 में से 28 जाएगा, 30,240 इंटू 100 अपॉन 72। एक कट जाएगा क्या बेटा 72 से? 8 से काटते हैं, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 6 2 8 7 जा 56, 6 4 8 8 जा 64। क्या बचा इधर? 3780 इंटू 100 अपॉन 9। अच्छा इसको 9 से काटेंगे तो 8 4 जा 36, 8 2 जा 18 और 0 इंटू 100। तो नवीन को कितने की पड़ी बेटा? नवीन को कितने की पड़ी? 42,000। कितने की पड़ी? सॉरी दिनेश को कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल 42,000